लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बीजेपी किसी को टारगेट नहीं कर रही है, लेकिन अखिलेश जी की मजबूरी है कि उनके नेताओं के क्षेत्र में जैसे काम हुए हैं और दंगे अधिक हुए हैं, सपा का कैडर ऐसा ही है और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। मुकदमे कब के थे, उन्हें जेल भेज दिया, दीपक यादव उन्हें जेल भेज दिया झूठे मुकदमे लगा करके। तो ये बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता, या आपने कानपुर की घटना देखी हो, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए, ये झूठों के साथ हैं, जो अन्याय करते हैं उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? भारतीय जनता पार्टी किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन अखिलेश जी की मजबूरी ये है कि जो उनका कैडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके राज्यों में, उनकी सरकारों में जिस प्रकार की अराजकता हुई, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, दंगे, जमीनों पर कब्जे, ये काम उनकी सरकारों में हुए हैं और उनके लोग उनमें संलिप्त, उनका कैडर इसी प्रकार का है, उन्हें जेल जेल जाना पड़ेगा, लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो पार्टी में असंतोष उभर कर आएगा।